एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। आखिर मान गए कन्हैया लाल, बीजेपी में बनाया गया है प्रदेश मंत्री। दरियावद विधानसभा क्षेत्र में खेत सिंह मीणा के समर्थन में प्रचार करेंगे और ये बीजेपी के लिए राहत की खबर, क्योंकि कन्हैया लाल अगर नाम वापसी नहीं करते तो फिर यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलता और सबसे ज्यादा डैमेज बीजेपी को होता। लेकिन कन्हैया लाल को मना लिया गया है और अब वो नामांकन वापस लेंगे और साथ के साथ खेत सिंह मीणा के समर्थन में प्रचार भी वो करेंगे। बीजेपी में बाकायदा उनको एक जिम्मेदारी दी गई है, प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी उनको दी गई है और कन्हैया लाल को मनाने में बीजेपी कामयाब रही है। दरियावद विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो दरअसल यही थी कि कन्हैया लाल अलग से नामांकन कर चुके थे, नाराजगी जता चुके थे। उनको वापस बीजेपी में लाना, उनका नामांकन वापस कराना और जो प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से बनाया गया है यानी कि खेत सिंह मीणा, उनके समर्थन में प्रचार कराना, बीजेपी काफी हद तक डैमेज कंट्रोल करने में इस सीट पर कामयाब दिखाई दे रही। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया रणनीति में सफल रहे। दो दिन के मेवाड़ दौरे पर रहने के बाद आज दोपहर को जयपुर लौटे। दो दिन लगातार मेवाड़ दौरे पर रहे राजेंद्र राठौड़, सुशील कटारा, चंद्रभान आक्या, अर्जुन लाल मीणा, अमृत मीणा, पुष्कर तेली और इसके अलावा और भी कई नाम है, जैसे नानालाल आहारी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने मंत्रणा की है और पूर्व विधायक स्वर्गीय गौतम लाल मीणा की सुपुत्र कन्हैया लाल मीणा को मनाने में डॉक्टर सतीश पूनिया कामयाब रहे हैं। उनकी रणनीति कामयाब होती हुई यहां दिखाई दी है और इस सीट पर जो संकट के बादल बीजेपी को कन्हैया लाल मीणा के अलग से नामांकन भरने की वजह से दिखाई दे रहे थे वो छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। सतीश पूनिया दो दिन के मेवाड़ के दौरे पर रहे। पूर्व विधायक स्वर्गीय गौतम लाल मीणा की बेटे कन्हैया लाल को मनाने में कामयाब रहे।